क्या भट्ट परिवार अब कंगना रनौत के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताने की कोशिश कर रहे हैं? आलिया भट्ट, महेश भट्ट के बाद अब सोनी राजदान उतरी है मैदान में कंगना के साथ दो दो हाथ करने। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म पर लगातार हो रही बहस और अब कंगना रनौत द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच सोनी राजदान ने उन पर निशाना साधा है। महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान अपने पति के बचाव में उतर आई है। सोनी राजदान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली कंगना रनौत पर निशाना साधा है। सोनी राजदान ने लिखा कि झूठ तब तक टिक सकता है जब तक सच सबके सामने नहीं आ जाता। सोनी राजदान से पहले महेश भट्ट और आलिया भट्ट ने भी अपनी पोस्ट के जरिए कंगना रनौत को करारा जवाब देने की कोशिश की थी। कंगना द्वारा रिपब्लिक टीवी पर कही गई सभी बातों पर आलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके लिखा, सच ही सच होता है, भले ही कोई इस पर विश्वास न करे। झूठ एक झूठ होता है, भले ही हर कोई इस पर विश्वास करे। हालांकि इस पोस्ट में आलिया ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इनडायरेक्टली कंगना की ओर ही है। आपको बता दें कि कंगना ने रिपब्लिक टीवी पर अर्णब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट और आलिया भट्ट को जमकर लताड़ लगाई थी। आलिया भट्ट को कंगना ने बेइज्जत किया ये कहकर कि गली बॉय में उनका रोल वाहियात था, जबकि सुशांत सिंह राजपूत को चिचोरे के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था। कंगना ने कहा कि आलिया गली बॉय के लिए अवार्ड्स डिजर्व नहीं करती। यही नहीं, कंगना ने कॉफी विद करण के उस एपिसोड का भी जिक्र किया जिसमें आलिया ने रैपिड फायर राउंड के दौरान मजाक में सुशांत को मार डालने की बात कही थी। इसी इंटरव्यू के दौरान कंगना ने अपनी डेब्यू फिल्म गैंगस्टर फिल्म के दिनों को याद करते हुए महेश भट्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं महेश भट्ट प्रोडक्शन की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे फिल्म गैंगस्टर में काम करने का मौका दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे उन्हें हक मिलता है मुझे पागल कहने का और मेरे ऊपर चप्पल मारने का। महेश भट्ट ने मेरे ऊपर चप्पल फेंकी थी। एक दिन महेश भट्ट ने मुझे कॉल किया और अपने एडिटिंग स्टूडियो में बुलाया। उस वक्त उन्होंने मुझे धोखा फिल्म ऑफर की। मुझे फिल्म का सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने फिल्म करने से मना कर दिया। महेश भट्ट को ये बात पसंद नहीं आई और वो मुझ पर चिल्लाने लगे। वो मुझे मारने के लिए आ ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी पूजा भट्ट ने उन्हें रोक दिया। पूजा ने कहा, पापा नहीं। वो थिएटर के मेन गेट पर आए और मुझे बाहर निकाला, मुझ पर चिल्लाए। मैं फिर भी अंदर जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे मेरी फिल्म देखनी थी, लेकिन उन्होंने चप्पल फेंक दी। इसके बाद दो लोग उन्हें अंदर लेकर गए। महेश भट्ट ने कंगना पर पलटवार करते हुए ट्वीट लिखा, मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी मुझे याद रखे। मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे एक पवित्र शख्स के तौर पर याद करे। आप खुद को याद रखने के लिए सब कुछ करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके नाम पर एयरपोर्ट टिकट स्मारक बने, लेकिन स्थायित्व नामुमकिन है। स्थायित्व की खोज ही इंसान के लिए त्रास दी है। इसके साथ ही महेश भट्ट ने आगे लिखा, सच्चे शब्द साफ नहीं होते, मीठे शब्द सच नहीं होते। बुद्धिमान लोगों को अपनी बात साबित करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को अपनी बात साबित करने की जरूरत है वो बुद्धिमान नहीं है। महेश भट्ट ने इस ट्वीट के जरिए कंगना रनौत को जवाब दिया। वेल, कंगना के इन्हीं सब बातों पर सोनी राजदान, आलिया भट्ट और महेश भट्ट ने उन पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले में कौन सही साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या भट्ट परिवार अब कंगना रनौत की कही जितनी भी बातें हैं उन पर सबूत इकट्ठे कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे? इस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।